दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में Realme का ब्लूटूथ ईयरफोन है, ठीक है। तो इसको रिपेयर करने के उद्देश्य से कैसे खोलें, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी किसी भी प्रकार का कोई जरूरत इसको खोलना पड़ जाए आपको, तो आप इसको कैसे खोलें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको पूरे गौर से देखना है ताकि इसको खोलते समय आपका जो डिवाइस है किसी प्रकार का किसी भी तरह से वो क्षतिग्रस्त नहीं हो, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको कवर किया गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां से शुरुआत करता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सब निकाल देना है, मतलब जो भी खोलना है ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ये सब निकाल दीजिए। उसके बाद आपको ये सब पे हल्का हल्का चोट मारना है, ठीक है, हल्का हल्का, ज्यादा जोर से चोट नहीं मारना है, ठीक है, हल्का हल्का। आवाज ज्यादा हो रहा होगा पर आप टेबल पे मैं कर रहा हूं उसके चलते आपको ज्यादा, लेकिन आप धीरे धीरे मारे, जोर से नहीं, ताकि ये डैमेज नहीं हो। उसके बाद कुछ इस तरह का जैसे देखे ले आप पतला, ठीक है, और केयर से करिए इसको, स्लिप करके हाथ पे चोट ना लगे, हो सके तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, लेदर ग्लव्स का। उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे आप इसको लगाएं, ठीक है, देखिए हल्का सा अंदर ही जाएगा, उसको ऐसे आप घुमाएं, बिल्कुल ये निकल जाएगा, ठीक है, देखिए खुल चुका है और कोई डैमेज नहीं हुआ है। वही आपको ध्यान देना है कि आप ज्यादा फोर्स लगा के आप करेंगे तो हो सकता है कि ये डैमेज है, तो केयर से करें, तरीके से करें ताकि आपका ये खराब ना हो। ये हो गया, बिल्कुल उसी प्रकार आपको इसको भी खोलना है, यहाँ चोट करिए, उसके बाद फिर से इसी टाइप के नोकीली चीज से यहाँ लगा के फिर इसको बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब अगले स्टेप में आप जानेंगे कि इसको कैसे खोले, यहाँ से कैसे खोले। यहाँ पे आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, आप देखिए कैसे इसको खोलना शुरू करना है। तो यहाँ पे खोलने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप जिस भी माध्यम से हीट लें, गैस से हल्का हीट ले सकते हैं, कैंडल से ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी स्रोत उपलब्ध है आप उससे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ हॉट एयर गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा सुरक्षित हॉट एयर गन ही है। सबसे पहले आप हॉट एयर गन ऑन करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी से खोलने का शुरुआत करता हूँ। आप कोई भी नोकीला चीज लीजिए, ठीक है, इतना तेज आप नहीं लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आप सॉफ्ट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसी से कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा तेज नहीं, आपका हाथ न कटे। ये जो रबर लगा हुआ है इसको आप आराम से किसी एक कोने पर लगाना है, ठीक है, किसी एक कोने पर लगाना है और उल्टा उल्टा करना है, ठीक है, ये कट नहीं, इधर सीधा करूंगा ना मैं कट जाएगा, जैसे भी सुविधा हो आपको ये रबर हटाना है, थोड़ा हार्ड होगा, आप इसको हटा, जब हल्का सा हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, इस टाइप की चीज का अंदर डालें, उसके बाद रबर है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको करने में, लेकिन जब सब साइड का निकल जाए, ठीक है, तो आप इसको रबड़ को, पहले रबड़ को पूरा दूर करिए ताकि हीट करने से रबड़ जो है आपका वो डैमेज ना हो, ठीक है। देखिए काफी दूर मैंने कर दिया, अब आपको हल्के हल्के हीट देना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, एकाएक हल्के हल्के हीट करना है, और जब ये हीट हो जाएगा तो उस दौरान आपको यहाँ पे होल्ड करके कपड़े से, किसी भी कपड़े के माध्यम से, आप ग्लव्स लेके जैसे भी हो उससे, उसकी मदद से आपको पकड़ के पीछे तरफ खींचना है, यहाँ पकड़ के इसको, इस कवर को पीछे तरफ निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैं हॉट एयर गन को ऑन करता हूँ और टेम्परेचर को कम पे रख के हल्का टेम्परेचर देना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं देना है, मीडियम कर सकते हैं आप, जैसे हॉट एयर गन का अगर रेंज 8 तक है, ठीक है, तो आप 4 तक कर दीजिए, 5 तक कर दीजिए, हल्का हल्का करिए, ठीक है, इतना कम भी नहीं कि उसमें लगा हुआ ग्लू, ठीक है, लूज नहीं हो सके, ठीक है, सॉफ्ट नहीं हो सके, तब तक सभी साइड से आपको करने हैं, देखिए, ठीक है। जब आपको लगे कि ये हीट हो चुका है तो उसके बाद कपड़े की मदद से, ठीक है, हल्का हल्का खींचे, अचानक से नहीं, देखिए ये
एकदम हल्का हल्का फोर्स लगाना आपको, ठीक है। थोड़ा सा और हीट करना होगा ताकि ये निकल सके, बैटरी के पास से भी निकाला जा सके। हम देख पा रहे हैं ये बैटरी लगी हुई है और ये कनेक्ट करने के लिए सॉकेट टाइप में यूज किया गया है पीसीबी को, ठीक है। देखिए ये पोर्शन पूरा खुल चुका है। अब आपको इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में रबर हटाना है, फिर हिट करके धीरे धीरे इसको नीचे की ओर खींचना है। आप बिल्कुल केयर से करें, आप कटे नहीं, छटक के कट सकता है, स्लिप करके कट सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको तेज यूज करना पड़ेगा ताकि शुरू में आपको रबर निकालने में सहूलियत हो, और आप इसी तरह उल्टा तरफ घुमाइए ताकि आसानी से निकल जाए। कंपनी वाले इसको ग्लू से चिपका रखा है, फिर उसी तरह उसको जितना हो सके उतना दूर कर दें ताकि हीट करने से इस रबर पे कोई प्रभाव ना पड़े, खराब ना हो रबर, ठीक है। ऐसे नहीं निकलेगा, आपको हीट करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें देखने और शेयर करने को, ठीक है। मैं बिल्कुल रियल कंटेंट डालता हूँ और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप कोशिश करें कि कमेंट करके कोई भी डाउट हो उसको पूछ लें, या फिर कोई भी सुझाव हो तो जरूर सुझाव दें, आपके सुझाव का सदा स्वागत है। अगर ये ना निकले तो आपको थोड़ा थोड़ा और हीट करते जाना है, अचानक से पूरा हीट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हीट करना है, फिर कोशिश करना है इसको निकालने का कपड़े की हेल्प से, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देर वीडियो को रोक दे रहा हूँ। प्लायर का हेल्प ले सकते हैं आप, देखिए ये निकल चुका है इतना। अब मैं इसको निकालने का भी उपाय बताता हूँ। प्लायर से पकड़ लीजिए इसलिए ताकि हीट कर, जब से ये हीट हो जा रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हीट हो जा रहा है, तो आप प्लायर को इस पे पकड़िए, यहाँ ये जो घाट दिया हुआ है इस पे दबाइए इस पोर्शन से, ठीक है, कुछ इस तरह, देख पा रहे हैं आप, और बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं, ठीक है। ये हो जाने के बाद अभी अंदर भी ग्लू दिख रहा है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा और हीट करना है। अब ये बटन के विपरीत साइड हीट करें, ऐसे साइड में हीट ना करें जिससे बटन जो है ये गल के खराब रह जाए, बटन यहाँ पे इसके विपरीत साइड, ठीक है।
ठीक है, अभी ये निकलने के बाद फोर्स लगाने का कोई जगह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और ये स्विच थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ये ठीक रहे, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है तो ये ठीक रहे, ठीक है ना, आप इसको निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, ठीक है, लेकिन मैं सुविधा के लिए निकाल देता हूँ ताकि हीट से वो टेढ़ा ना हो जाए, ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, ठीक है, ये हीट से क्या होगा कि मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप निकाल दीजिए। अब देखिए, अब इसको फिर से आपको हीट करना है, ठीक है, अब मैं इसको सामने की फोर्स नहीं लगा सकता, नहीं तो ये जो वायर्स है ये टूट सकते हैं, तार जो भी दिख रहा है आपको टूट सकते हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, किसी भी पतला सा सुई लेना है, ठीक है, और उसके हेल्प से इसको आगे की ओर पुश करना है, ठीक है, अब आपको एक सुई की सहायता से फिर इसको आप अच्छे से होल्ड करिए, इसके बाद किसी भी सुई, देखिए चार्जिंग कनेक्टर ऊपरी वाले पोर्शन पे दीवार पे, ठीक है, मैं निकालने के बाद अच्छे से बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको फोर्स लगाना है, ठीक है, धीरे धीरे किट के ऊपर आने तक आपको ऐसे ही फोर्स लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा निकल जाने के बाद और दूसरे किसी भी चीज का हेल्प लेके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको बाहर की ओर पुश करिए, इसको मैं डायरेक्ट नहीं खींच सकता वरना ये वायर्स जो है टूट सकते हैं, ठीक है, ट्वीजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हार्ड चिपकाया गया है इसको, और हीट करना होगा, अब आप देख पा रहे हैं ये जो दिख रहे हैं आपको यही ग्लू है, ठीक है, ये अच्छे से हीट होना चाहिए, ठीक है, और आप चाहे तो इसमें हल्का का थीनर या CTC भी भर सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिल सकता है, CTC और थीनर भी डाल के आप इसको, और इसके इसमें जो ग्लू लगा उसको और सॉफ्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, केयर से करिए, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाइए जरूर है पर आपको केयर से करना है, देखिए थोड़ा सा और ये ऊपर आया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तरह अब जब ये ऊपर आ जाए तो फिर से आपको प्लायर, इतना पे आप प्लायर का हेल्प से कोशिश कर सकते हैं, देखिए इसको जब ये आ जाए तो हल्का सा इसको आप दबाइए, फिर कोशिश करिए, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कितने हिफाजत से कंपनी वाले ने इसको पैक किया है, देखिए कनेक्टर से मैंने हेल्प लिया जरूर लेकिन इसको किसी प्रकार कोई इसमें डैमेज नहीं है, देख लीजिए आपको क्या करना था, इससे इस पे फोर्स करना था, इस दीवार पे, ठीक है, इस दीवार पे नीचे से ऐसे फोर्स इसको बाहर की ओर खींचना था, मेरे पास मजबूरी था कि मैं इसको पकड़ के नहीं खींच सकता था वरना इस तार पे जोड़ पड़ेगा और ये तार सब टूट जाता, ठीक है, फोर्स लगाने के लिए आपने रील का हेल्प ले सकते हैं, और मैं एक बार आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ, आपको ये नहीं लगे कि इस तरह करने से चार्जर कनेक्टर जो है डैमेज हो चुका होगा, ठीक है, देखिए चार्ज प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो मैं यही बता रहा था कि इसमें इसको कैसे असेंबल और डिसअसेंबल करें, ठीक है, इसको खोलने के बाद कैसे असेंबल करें और कोई प्रॉब्लम है तो कैसे खोल के इसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है, तो मैंने ये बता दी इसको कैसे खोलें, अगर आपके पास इस तरह का ब्लूटूथ अवेलेबल है उसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपको एक वीडियो दे दूं, ठीक है,
जैसे लेफ्ट राइट कोई नहीं बज रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा, चार्ज नहीं हो रहा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम पूछिए आप, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मैं वीडियो बना के दे दूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत है, आप खुलकर सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।